अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम खबरें डिस्कस करेंगे उसमें बड़ी खबरें हैं। एक तो जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर हैं, क्या उनकी पोस्टिंग का अभी भी इम्कान बाकी है GHQ या कुछ और भी गौर हो रहा है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे जो नून लीगी वफद है जो मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में लंदन पहुंच रहा है और मुलाकात करेगा नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ से, वो एजेंडा असल में है क्या। इसके अलावा जो तीसरी जो अहम खबर है वो है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो अभी बयान दिया है BBC को, उन्होंने फ़रद जावेद रब्बानी को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात कबल इस वक्त भी हो सकते हैं और वो आर्मी चीफ के ओहदे की तैनाती से कबल भी हो सकते हैं, और इसमें उन्होंने कहा कि उसमें यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए नवंबर से पहले, या हो सकता है इंटरिम गवर्नमेंट का वक्त भी ख़त्म हो जाए नवंबर से पहले और फिर नई हुकूमत आ जाए मुंतखब होकर और वो आर्मी चीफ के ओहदे का फैसला करे। ये इस चीज़ का एतराफ़ भी है कि ये तमाम जो पिछले कुछ अरसे में सरगर्मी हुई है हुकूमत की तब्दीली की, इसका बराह रास्त ताल्लुक आर्मी चीफ जो नए तैनात होने हैं उनके उनकी तैनाती से था। लेकिन अब चीज़ यह है कि ये ख्वाजा साहब जो बात कर रहे हैं वो हम अगर सादा लफ्ज़ों में कहें तो ब्लफ कर रहे हैं। इमरान खान साहब को भी, मीडिया को भी, सबको भी एक चैटर है जो इससे चलेगा कि जी क्या इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या है ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक चीज़ जो बड़ी हर्डल है वो है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं करवा सकता, उसको अक्टूबर तक का टाइम चाहिए। अब बाज़ ज़रा ये बता रहे हैं कि इसमें एक डिबेट इंटरनल भी चली, उसमें तजवीज़ किया गया कि हम फौरी असम्बलियाँ तहलील कर दें लाइक जून जुलाई तक, तो वो ये होगा कि जब तक 3 माह पूरे होंगे इंटरिम गवर्नमेंट के तब तक अक्टूबर हो जाएगा तो इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन ये एक आईनी और कानूनी मसला है, इलेक्शन कमीशन तैयार अक्टूबर में जाके इलेक्शन के लिए होगा, तो उसके बाद अगर आप असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो वो उस 3 माह की मुद्दत में वो इलेक्शन करवाने की पोजीशन में होगा। ये नहीं होगा कि आप उसको जून जुलाई में असम्बलियाँ तहलील कर दें तो अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे होंगे, कि वो इलेक्शन कमीशन ने जो अक्टूबर कहा था वो अक्टूबर आ गया, ऐसा नहीं है। दूसरी जो चीज़ है, हम आपको दिलचस्प बात बताएं कि ये इंतखाबात क्योंकि जुड़े ही आर्मी चीफ के ओहदे से हुए हैं, हमें ज़रा ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं था जन कंवर जयंत बाजवा को एक और एक्सटेंशन देने पर, और उसमें उनका ये स्कूल ऑफ थॉट था कि देखिए क्यों ना इन्हीं के अंडर एक इलेक्शन ले लिया जाए, ये ना हो कि कोई नया चीफ आए और वो कोई नई पॉलिसी बना ले। और क्योंकि ये जो सारा जो इस वक्त मामला तब्दीली का उस वक्त जब चल रहा था मुल्क के अंदर अभी ये वो ये नो कॉन्फिडेंस वाला, तो उसमें जो एश्योरेंसेस हैं उसके लिए बेहतर है कि उन एश्योरेंसेस को ही पर ही रिलाई किया जाए, किसी नए शख्स का वेट ना किया जाए। लेकिन जो नून लीग थी वो इस पर मुख्तलिफ व्यू रखती थी और इसी एक और एक्सटेंशन की तो बात नहीं तय पा सकी थी। और उसके बाद ये हुआ कि फिर जिस तरह से ये तमाम तब्दीली हुई और इदारे के अंदर भी जिस तरह से एक उस पर रद्द अमल भी आया, जन कंवर जयंत बाजवा को मुख्तलिफ जाके फॉर्मेशन कमांडर्स को मुख्तलिफ कोर्ट को जाके एड्रेस करना पड़ा, जवानों से एड्रेस करना पड़ा, रिटायर्ड ऑफिसर से मुलाकातें करनी पड़ी, उससे जारी बात है एक चीफ खुद भी एक पल्स लेते हैं कि क्या है, तो उधर से शायद उनको भी ये रियलाइज़ हुआ कि शायद अब उनको रिटायरमेंट लेनी होगी, और फिर उन्होंने DGSPR के ज़रिए ऐलान भी करवाया कि वो एक और एक्सटेंशन नहीं देख रहे। तो इस सब के बाद ये तो मामला तय हो गया कि अब नए आर्मी चीफ ही तैनात होने। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम अगर नाम जो समरी आएगी सीनियरिटी लिस्ट की 6 जनरल्स की, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम भी होगा तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। कह तो ख्वाजा साहब ठीक रहे हैं, अब जाहरी बात है वो ये तो नहीं कह सकते थे कि हमने तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम कंसिडर ही नहीं करना, लेकिन जाहरी बात है उनको जलसों में मरियम नवाज़ साहिबा तनकीद का निशाना बनाती हैं, सब तनकीद का नून लीग ही खासतौर पर निशाना बनाते हैं।
पीपल्स पार्टी वाले थोड़े इनडायरेक्टली निशाना बनाते हैं। तो उसके बाद ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो, अगर यही सेटअप तब तक नवंबर तक हुकूमत में हुआ तो लेफ्टिनेंट फैज हमीद के नाम पर कोई फैसला होगा। हाँ जहरी बात है, एक ये एक फॉर्मल जवाब है, मैं कहूँगा कि मेरे पास 6 नाम आएंगे तो मैं देखूंगा छः के नाम, 6 नामों को कौन है। तो उसमें अगर लेफ्टिनेंट फैज हमीद का नाम होगा तो मैं उसको भी पढ़ूंगा तो सही, और देखूंगा अच्छा। लेकिन क्या मैं उनको बनाऊंगा, ये तकरीबन खारिज इम्कान है। अब जो बात चल रही है कि लेफ्टिनेंट फैज हमीद की शायद पोस्टिंग हो सकती है पेशावर से, उसमें एक बात ये भी चल रही है कि अभी आप देखिए कि TTP के साथ जो मुजाकरात हो रहे हैं उसमें जो जरगा है, कहते हैं कि उसकी निगरानी खुद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कर रहे हैं। और अदरवाइज तो होता था कोई ना कोई ISI का सेक्टर कमांडर या इस लेवल का कोई ऑफिसर जरगों को एंगेज करता था जो TTP से मुजाकरात करते थे, लेकिन अब कहते हैं कि वो मुजाकरात खुद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद क्योंकि उसकी निगरानी कर रहे हैं और उसमें इस तरफ से तमाम उस अमल को परसू कर रहे हैं हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो इसलिए हो सकता है कि फौरी तौर पे उनको हटाना ये भी ना हो कि उन मुजाकरात के डीरेल करने का बायस बने, या उसमें जिसे कहते हैं ना वो एक अदम एतमाद की फिजा पैदा करें। और मुजाकरात अब आपको पता है इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब 15 मई तक TTP ने सीज फायर भी कर दिया है और पाकिस्तानी फौज ने हाजी मुस्लिम खान समेत 2 TTP के सरकर्दा रहनुमाओं को रिहा करके उस जरगे के हवाले कर दिया है। अभी वो अफगानिस्तान मुंतकिल नहीं हुए लेकिन उनको रिहा करके जलगे के हवाले कर दिया गया है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे। उससे अब मजीद बात आगे बढ़ेगी तो अब देखते हैं कि ये क्या है। अगर वो मुजाकरात आगे बढ़ते रहे और उनमें हमारी मिलिट्री क्यादत के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मुस्बत पेशरफ्त होती नज़र आ रही हुई तो फिर हो सकता है ये जो तबादला है लेफ्टिनेंट फैज हमीद का शायद ये मौखर भी हो जाए। दूसरी तरफ अब बात यह है कि नून लीग की जो क्यादत है जो इस वक्त बड़ी तादाद में वुजरा वो जा रहे हैं लंदन, वहाँ पर वो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। उस वफद में जो नुमायाँ लोग हैं उनमें मरीम औरंगज़ेब साहबा हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ खुद प्राइम मिनिस्टर हैं और दीगर अहम वज़रा हैं वहाँ पर। वैसे तो कहा जा रहा है कि जी वो शायद अर्ली इलेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं या वो दीगर मामलात को, तो ऐसा नहीं है। एक तो वहाँ पर जो चीज़ बड़ी डिस्कस होनी है वो है कि जो मियाँ नवाज शरीफ के जो लोग हैं नून लीग में, यानी कि जिनको आप कह सकते हैं कि नून लीग में जो मियाँ नवाज शरीफ के करीब हैं, उनको बहुत कम कैबिनेट में और पंजाब में अकोमोडेट किया जा रहा है। तो उनको अकोमोडेट करने का मामला तय पाएगा। मियां नवाज शरीफ बताएंगे किस किस को और लाना है, किस किस पोजीशन पर लाना है। एक तो ये तबादला नून लीग के इंटरनली हद तक तय पाएगा। दूसरा मामला जो तय पाएगा वो कि ये जो कीमतें हैं इनका मामला किस तरह से तय करना है, ये पेट्रोल और बिजली की, और IMF और दोस्त ममालिक से क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं। तीसरा जो मामला है जो एक बहुत ही अहम मामला है वो है कि इमरान खान साहब जो खेल खेल रहे हैं उससे किस तरह निमटना है, और इमरान खान साहब और जो बाज मीडिया हाउसेस यानी कि एयरवे और दीगर इमरान खान साहब के साथ मिलकर ये सारा खेल खेल रहे हैं बकौल नून लीगी राय के, इनको अगर फिक्स करना है तो वो कैसे फिक्स करना है, हम इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इसमें जो एक चीज़ और है, हम ज़ाती तौर पर समझते हैं कि नून लीग को ये पॉलिसी नहीं इख्तियार करनी चाहिए मीडिया या सहाफ़ियों के खिलाफ केसेस बनाने की। पिछले दौर में बनते रहे हैं, पिछले दौर में भी नून लीग ने ये केसेस इस्टेब्लिशमेंट की PTI ने ये केसेस इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए बनाए, तो क्या अब नून लीग भी इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए केसेस इस तरह के बनाएगी? तो ये फिर कोई मसले का हल नहीं होगा, फिर कोई सिर्फ चेहरे बदलेंगे, रियासत की अपनी इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने की सोच और पॉलिसी नहीं बदलेगी, इसका मतलब ये होगा। तो ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आपको मालूम है मुल्क में बड़ा इमरान खान साहब की वीडियो का चर्चा था, उनकी तो आई नहीं आई, अब वो
सुन रहे हैं, आमिर लियाकत साहब की वीडियोस आ गई हैं, इसको हम ये समझते हैं कि डिस्करेज किया जाना चाहिए। उनकी प्राइवेट लाइफ थी, और हमारे मुल्क में बहुत से लोगों के लिए सबक भी है कि टिक टाकरों से, मैं क्योंकि साहब को कभी यूज़ ही नहीं मैंने किया तो इसलिए आई डोंट नो इसका नाम, मैं गलत ले गया थोड़ा माजरत, लेकिन ये टिक टाकरों से माजरत के साथ दोस्तियां और शादियां कोई कॉस्टली ही साबित होती हैं। हरीम शाह साहबा को आप देखते थे, वो कभी मुफ्ती कवि को थप्पड़ मार रही होती थी तो कभी उनकी कॉल लीक कर रही थी तो कभी शेख रशीद की तो कभी किसी की, कभी फैजुल हसन चौहान, ठीक है, तो ये सारे ठरकी लोग उनके हाथों गंदे होते रहते थे। आमिर लियाकत साहब ने भी एक टिक टॉकर से शादी की, तब उनकी प्राइवेट वीडियोज़ बाहर निकली हुई हैं। ये एक अफसोसनाक पहलू भी है, सोचने का पहलू भी है कि सोच समझ के आप टिक टॉकरों की तरफ बढ़ें। और बहरहाल हम समझते हैं कि ये काबिले मजम्मत बात है कि आमिर लियाकत साहब की निजी ज़िंदगी की वीडियोस उन खातून ने मुबैना तौर पर लीक की हैं, और ये एक शर्मनाक अमल है। आप अगर किसी से अपने वो बाहर, तो इसके ऊपर प्रॉपर टर्म है और इसके ऊपर केसेस बनते हैं रिवेंज पोर्न वाले। यहाँ पर भी अब FIA कार्रवाइयाँ कर रही थी कि लोग अगर अपनी सबका अहलिया या अपनी किसी दोस्त की वीडियोस और या पिक्चर्स लीक करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। तो इसी तरह से अब आमिर लियाकत साहब की लीक हुई है तो दूसरी पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।